New Pharma Hubs today once again on my YouTube channel. Today we will discuss about pharmaceutical dosage form. तो pharmaceutical dosage form को start करने से पहले I request to you please subscribe my channel and share like ताकि आपसे मुझे motivation मिल सके और आने वाली हर video का notification आपको मिलता रहे. तो आइए बात करते हैं pharmaceutical dosage form. जैसे कि फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म का मतलब, जैसे कि आप कोई मेडिकल से कोई दवाई लेकर के आते हैं, तो जो आपको दवाई लेकर के आए हैं आप, तो जो आपको दवाई दी गई है वो पहले से ही एक डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करके दी गई है आपको. तो बात करते हैं उस डोसेज फॉर्म की, बात करेंगे आज. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोसेज फॉर्म के बारे में. इसने क्या कहा, अ ड्रग इज रेयरली प्रिस्क्राइब एंड एडमिनिस्टर्ड एज प्योर कंपाउंड. इसने क्या कहा कि कुछ ड्रग ऐसी होती है जो क्या बहुत कम, रेयरली मतलब बहुत कम प्रिस्क्राइब की जाती है किसी फार्मासिस्ट के द्वारा या किसी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है आपको, एडमिनिस्टर्ड की जाती है या एज प्योर कंपाउंड, मतलब कुछ ड्रग ऐसी होती है जो बहुत कम प्रिस्क्राइब की जाती है, बहुत कम दी जाती है पेशेंट को. क्यों, इन ऑर्डर टू मेक अ ड्रग एडमिनिस्टेबल टू द पेशेंट. इसने क्या कहा कि उस ड्रग को ऐसा बनाने के लिए ताकि वो पेशेंट के लिए सफिशेंट हो सके, पेशेंट को देने लायक बनाया जा सके, उसमें क्या उसको कुछ कन्वर्ट किया जाता है इनटू डोसेज, मतलब उसको क्या उसको कन्वर्ट किया जाता है डोसेज फॉर्म में By mixing it with some non-drug compound called excipient. इसने क्या कहा कि मतलब जो ड्रग, कुछ ड्रग ऐसी होती है जो मतलब बहुत कम प्रिस्क्राइब की जाती है, तो फिर इसने क्या कहा कि ड्रग को ऐसा बनाने के लिए ताकि वो उसको पेशेंट को, जिसको हम आसानी से पेशेंट को दे सके, तो उसमें क्या किया जाता है उसको कन्वर्ट किया जाता है कुछ मिक्स करके, कुछ ऐसा मिक्स करके ताकि उसको हम पेशेंट के लायक बना सके. नॉन ड्रग कंपाउंड कॉल्ड एक्सीपिएंट, तो उसमें क्या कहा उनको, उसमें क्या उसमें नॉन ड्रग कंपाउंड मिलाते हैं जिसको हम एक्सीपिएंट कहते हैं. अब बात करते हैं सबसे पहले ड्रग की, ड्रग होता क्या है. इसने कहा ड्रग, अ ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज टू डायग्नोज, टू ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज. मतलब क्या, कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको हम यूज करते हैं किसी डिजीज से बचने के लिए, किसी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए या उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उसको हम ड्रग कहते हैं. तो अब बात करते हैं हम सेकेंड जो हमने डिफाइन किया है, नॉन ड्रग. नॉन ड्रग का मतलब जिसका कोई थेरेप्यूटिकल इफेक्ट ना हो, मतलब जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन ना हो, उसको कहते हैं हम नॉन ड्रग. जैसे कि हम बात करेंगे एक्सीपिएंट्स की, तो एक्सीपिएंट्स को ही हम नॉन ड्रग सब्सटेंस कहते हैं. जैसे एक्सीपिएंट्स में बात करते हैं, जैसे ड्रग का, ड्रग आपको पता है कि ड्रग कड़वी होती है, तो उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए, उसके टेस्ट को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, हैं. तो जैसे कि स्वीटनिंग एजेंट में यूज़ करते हैं, और जिससे ड्रग का कलर को चेंज करने के लिए, कलर के कलर देने के लिए, वाइट बनाने के लिए, रेड बनाने के लिए, तो उसमें हम कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं कलर देने के लिए. जैसे हम यूज़ करते हैं कि ड्रग में कोई माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो, उसके लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं. तो वो सब क्या आते हैं, वो सब आपके एक्सीपिएंट्स में आते हैं, जिनको हम क्या, जिनको हम नॉन ड्रग सब्सटेंस कहते हैं. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म. क्लासिफिकेशन मीन्स उसका वर्गीकरण, मतलब वर्गीकरण कैसे किया गया है डोसेज फॉर्म का. तो इसको पांच भाग में क्लासीफाइड किया गया है. अब सबसे पहले जैसे देखते हैं, सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, गैसियस फॉर्म एंड मिस, मतलब मिसलेनियस फॉर्म में, जो क्या एक न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम. अब बात करते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में. जैसे कि आपको पता है सॉलिड डोसेज फॉर्म मतलब जो ठोस होती है, जो ठोस, जैसे कि हम यूज़ करते हैं, जैसे आप मेडिकल से दवा लेकर के आते हैं तो आपको टैबलेट मिलती है, वहाँ से कैप्सूल्स मिलते हैं, तो उसको कहते हैं हम सॉलिड डोसेज फॉर्म. जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमें टैबलेट मिलती है, ये क्या टैबलेट है, टैबलेट तो क्या है, ये सॉलिड है, सॉलिड है. जैसे आपको कैप्सूल मिलता है तो कैप्सूल भी सॉलिड होगा, तो ये भी सॉलिड, आपको ये भी सॉलिड होता होगा, तो ये सब आते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म में. और जैसे आप कैप्सूल को अगर खोलेंगे तो उसके अंदर से जो पाउडर निकलेगा तो वो भी क्या होगा, वो भी सॉलिड डोसेज फॉर्म में ही आएगा. अब बात करते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म की. लिक्विड डोसेज फॉर्म में जैसे कि आप सिरप्स यूज़ करते हैं, जैसे आप कफ सिरप यूज़ करते हैं जब आपको खांसी वगैरह होती है तो डॉक्टर आपको कफ सिरप देता है, तो मतलब वो आती है आपके लिक्विड डोसेज फॉर्म में. मतलब जैसे आप ऑयल यूज़ करते हैं, कोई लोशन यूज़ करते हैं, तो सब क्या आते हैं, वो लिक्विड डोसेज फॉर्म में आते हैं. अब बात करते हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की. सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का मतलब ना तो वो पूरी तरह से सॉलिड है और ना ही पूरी तरह से वो लिक्विड है. जैसे कि आप यूज़ करते हैं, जैसे आप जेल यूज़ करते हैं, जैसे आप क्रीम यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, ये आपकी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में आती है. अब बात करते हैं गैसियस डोसेज फॉर्म की. अब गैसेस में क्या होती है, जैसे कि आपको पता है कि अस्थमा पेशेंट होता है वो क्या करता है, वो इनहेलर यूज़ करते हैं, तो इनहेलर जो होते हैं वो आपके कैसे में आते हैं, वो आपके गैसेस डोसेज फॉर्म में आते हैं. जैसे कि आप बॉडी डियो यूज़ करते हैं, स्प्रे यूज़ करते हैं, तो वो क्या समझे, वो सब आते हैं गैसेस डोसेज फॉर्म में. अब बात करते हैं मिसलेनियस ड्रग डोसेज फॉर्म की. मिसलेनियस का मतलब क्या है, ये न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसलिए हम इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं. अब बात करते हैं मिसलेनियस ड्रग डोसेज फॉर्म क्या है, ये न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो इसके अंदर क्या, इसके अंदर कुछ कैटेगरी है, जैसे कि न्यूसन से, लिपोसन से,
नसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जैसे ओसोमोटिक ड्रग है और क्या शैशेट है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूसम्स। अब क्या होते हैं न्यूसम्स, क्या होते हैं न्यूसम्स, क्या होता है, ये एक नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है। क्या है? नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, जिसको हम जिस नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट को हम कोलेस्ट्रॉल के साथ मिला करके यूज करते हैं, एज ए एक्सिपिएंट की तरह यूज करते हैं। एक्सिपिएंट मतलब क्यों यूज करते हैं इसको इस तरह, क्योंकि इससे क्या, इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं इसे एज ए एक्सिपिएंट। अब बात करते हैं लिपोसम्स। लिपोसम्स क्या होते हैं? लिपोसम क्या है? एक स्फेरिकल राउंड शेक होता है, जिसके अंदर जो क्या से जो फॉस्फोलिपिड से बना होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर कुछ वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि जो वाटर मोलिक्यूल होते हैं हम उसको यूज करते हैं ड्रग को कैरी करने के लिए टू द टिश्यू तक, मतलब ड्रग को कैरी करते हैं टिश्यू तक ले जाते हैं ड्रग को, उसको क्या कहते हैं लिपोसम्स कहते हैं। अब आते हैं नसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब नसल ड्रग मतलब जो हम नाक के थ्रू लेते हैं। जैसे कि आपको पता है जब कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप कुछ स्प्रे यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं नसल ड्रग डिलीवरी, मतलब नाक के थ्रू जब यूज करते हैं। अब बात करते हैं ओसोमोटिक पंप की बात। ओसोमोटिक पंप में क्या होता है, ये ओरल भी और इम्प्लांटेशन सिस्टम, मतलब दोनों तरह से इसको यूज कर सकते हैं हम। इसके अंदर एक कोर होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर के अंदर क्या होता है, चैम्बर बना, जैसे एक चैम्बर कैप्सूल का चैम्बर होता है ना, उसी प्रकार से एक चैम्बर होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, जैसे ही देखिए आप, जैसे ये कोई कैप्सूल चैम्बर बनाया तो क्या उसके अंदर कुछ ड्रग पार्टिकल्स और कुछ एक्सपीरियंस को मिला करके बनाया जाए, जिसके जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, अब फिर बात करते हैं सैशेट की। सैशेट का मतलब यूज़ करते हैं आप, सैशेट का मतलब जैसे कि आपको कुछ ड्रग होती है, जो कुछ मेडिसिन होती है टैबलेट फॉर्म, वो क्या होती है, वो आपकी एक क्या उसमें एक नॉन टेस्ट पैकिंग में आती है, नॉन टेस्ट फिल्म में आती है, तो उसको कहते हैं सैशेट कहते हैं। वो कैसे बनती है, वो जो सैशेट बनती है जिसके अंदर वो फ्रैक होती है, वो मेडिसिन वो टैबलेट फ्रैक होती है, उसको कहते हैं सैशेट। तो मतलब सैशेट में क्या होती है, वो एक बहुत ही रिच राइस, जो राइस होता है, राइस चावल का जो फ्लोर होता है, और पानी को दोनों को मिलाकर मिक्स करके उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक सीट पे उसके थ्रू एक सीट बनाते हैं, तो उसको कहते हैं सैशेट। अब कहते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब कहते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है पैचेस, जिसको हम क्या होते हैं पैचेस भी कहते हैं। जैसे कि आप बैंडेज यूज कर सकते हैं, तो आपको कहीं पे आप स्किन पे यूज करते हैं, आप चोट लग जाती है तो उस पे आप बैंडेज यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसडर्मल कहते हैं उसको, तो उसको क्या कहते हैं। तो अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट सॉलिड्स के बारे में, क्या मतलब जो हमने पढ़ाया कि जो अपना सॉलिड्स टैबलेट्स होते हैं, जैसे टैबलेट होती है, कैप्सूल होते हैं, तो क्या सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं, तो उनके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी सॉलिड होते हैं, सॉलिड को भी फर्दर दो भाग में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि यूनिट डोसिस फॉर्म और बल्क डोसिस फॉर्म। मतलब यूनिट का मतलब होता है, यूनिट डोसिस फॉर्म मतलब सिंगल डोज में जो दी जाती है, उसको कहते हैं यूनिट डोसिस फॉर्म, और जो कहते हैं बल्क में, मतलब कि क्वान्टिटीज कुछ ज़्यादा होती है तो उनको बल्क में कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं यूनिट डोसिस फॉर्म की। अब क्या कहते हैं, यूनिट डोसिस फॉर्म को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है, जैसे टैबलेट्स में क्लासीफाई किया गया है, कैप्सूल्स में, पिल्स में, सैशेट में और पाउडर में। तो हम बात करते हैं टैबलेट्स, सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट्स के बारे में। टैबलेट्स होती क्या है, जैसे कि आपको पता है टैबलेट्स आप जो मेडिकल शॉप से खरीद कर लाते हैं टैबलेट्स होती है, जैसे अब टैबलेट्स भी बहुत सारे कैटेगराइज में होती है, टैबलेट भी बहुत सारी कैटेगरी में किया गया, टैबलेट बहुत प्रकार की होती है। जैसे आपको पता है कि कुछ क्या होती है, कुछ सोल्यूबल टैबलेट होती है, कुछ एफरसेंट टैबलेट होती है, कुछ क्या होती है, कुछ सबलिंगुअल टैबलेट होती है, कुछ क्या होती है, कुछ चेवेबल टैबलेट होती है, कुछ बकल कैविटी में रखने वाली टैबलेट्स होती हैं, कुछ हाइपोडर्मल टैबलेट्स होती है। तो जैसे कि आपको पता है एफरवेसेंट टैबलेट मतलब कि जैसे कि हम उसको पानी में डालते हैं तो मतलब उसमें एफरवेसेंस निकलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डिस्प्रीन में जो आप टैबलेट हो, जैसे आप उसको पानी में डालेंगे तो उसमें क्या, उसमें आपको एफरवेसेंट निकलते दिखाई देंगे। तो क्या मतलब कुछ टैबलेट्स ऐसी होती है जो आपको टंग के नीचे रखनी होती है, सबलिंगुअल में आती है, जो उनको आप क्या करते हैं, उनको आप ट्रंक के नीचे रखते हो, जीभ के नीचे रखते हो, ताकि वो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से एक लिए एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ताकि वहाँ से जल्दी कैपिलरी में जाकर एक्शन शो कर सके। तो फिर ऐसी टैबलेट्स होती है, बहुत सारी कैटेगराइज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पिल्स की। पिल्स का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे आप यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टू कंट्रोल द प्रेगनेंसी एंड टू कंट्रोल द बर्थ ऑफ चाइल्ड, तो उसको हम यूज करते हैं पिल्स, जब हम यूज करते हैं उनको पिल्स कहते हैं। अब बात करते हैं कैप्सूल्स की। आपको पता है कि कैप्सूल्स जो आप नॉर्मली डेली लाइफ में यूज करते हैं कैप्सूल्स होते हैं। अब कैप्सूल्स भी क्या होते हैं, कैप्सूल भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे फर्दर यहाँ पर, कि आपको पहले कहते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और कहते हैं दूसरा होते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो कैप्सूल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। आपको पता है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल उन्हें कहते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं कोई कैप्सूल्स लेते हैं और उस कैप्सूल के अंदर वो लिक्विड होता है, अगर उसका
अगर उस कैप्सूल के अंदर क्या है, कोई लिक्विड है, कोई वाटर है, तो उसको कहेंगे आप सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। और अगर आप कैप्सूल लेते हैं, कैप्सूल्स के अंदर क्या होते हैं, कैप्सूल्स के अंदर कुछ हार्ड हार्ड होते हैं, जैसे कुछ पाउडर होता है, कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या है, वो आएगा आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कैटेगरी में। अब बात करते हैं हम सैशेट की। जैसे कि आपने अभी हमने पीछे बताया आपको सैशेट क्या होते हैं, सैशेट के मतलब जैसे कि बताया मैंने आपको कि मतलब कुछ ड्रग होती है जो मतलब जैसे कि ये देखिए आप ये है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक नॉन टेस्ट मतलब टेस्टलेस फिल्म कोटेड है, जो टेस्टलेस फिल्म है उसके अंदर जो ड्रग को पैक किया गया है, तो इसी को कहते हैं ये जो होती है, ये जो इसको क्या करते हैं, जो कैसे बनती है, हम इसमें क्या करते हैं, आपको जैसे रिव्यू ने क्या है पहले बताया है कि मतलब इसमें राइस फ्लोर और मतलब क्या होते हैं वाटर को मिक्स करके उनको क्या, उनको एक प्लेन शीट बनाई जाती है और फिर उसके अंदर हमको टैबलेट को रैप करते हैं, तो इसको कहते हैं सैशेट। तो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सैशेट। अब बात करते हैं पाउडर्स की। जैसे कि आपको पता है आपने सोलह फॉर्म में पढ़ा है कि मतलब जो पाउडर्स जो कैप्सूल होते हैं, कुछ पाउडर्स होते हैं कैप्सूल जो आपको मिलते हैं कैप्सूल्स के अंदर, अगर आप कैप्सूल खोल के देखें तो उसके अंदर से आपको पाउडर्स निकलेगा, तो उसको कहते हैं पाउडर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बल्क की। बल्क मतलब जो क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, मतलब जो क्वांटिटी में होता है, बल्क में अमाउंट में होता है, किसी एक्सटेंट में होता है, तो उसको हम बात करते हैं बल्क। अब बल्क भी, बल्क को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बात है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जैसे कि मैंने एक्सटर्नल का मतलब होता है जो बाहर, हम जो बाहरी बॉडी पे यूज़ करते हैं, मतलब जो सुपरफिशियल लेयर, जो सुपरफिशियल बॉडी पे यूज़ करते हैं, जिसको ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल लेयर होते हैं, उस ट्रॉपिकल बॉडी पे यूज़ करते हैं, जिसको एक्सटर्नल। और फिर बात करते हैं इंटरनल। इंटरनल का मतलब जो हम अंदर यूज़ करते हैं, जैसे हम कुछ अंदर खाते हैं, कुछ टैबलेट्स खाते हैं, लोशन मतलब वो क्या नाम का टैबलेट्स लेते हैं, और क्या नाम का सिरप लेते हैं, तो क्या होता है, वो इंटरनल होते हैं, उसको हम इंटरनल यूज में करते हैं, ठीक है। अब इंटरनल मतलब जो हम अंदर लेते हैं, अंदर मतलब खाते हैं, जो हम क्या होते हैं, जो हमारा सिस्टमिक, जो हमारे क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू हम अंदर लेते हैं, इसको इंटरनल मतलब जो अंदर यूज़ करते हैं। अब जैसे क्या होते हैं इंटरनल में, आप कुछ इंटरनल में जब जो आप कैप्सूल्स यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है टैबलेट्स यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है, जो कैप्सूल्स होते हैं, कैप्सूल्स के अंदर भी क्या होते हैं कुछ फाइन पार्ट, उसको भी क्या फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया गया है, फाइन पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। अब क्या बात करते हैं फाइन पाउडर और ग्रेन्यूल्स। फाइन पाउडर का मतलब जैसे कि आप कैप्सूल्स देते हैं, जो कैप्सूल्स के अंदर पाउडर होता है वो क्या होता है, वो फाइन पाउडर होता है, तो उसको कहते हैं फाइन मतलब बहुत ही बारीक मतलब फाइन पाउडर होता है। अब ग्रेन्यूल्स, अब देखते हैं जैसे आप कुछ देखा होगा आपने, जो कैप्सूल्स लेते हैं, कुछ कैप्सूल्स के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, दाने वगैरह दाने टाइप होते हैं, तो उनको कहते हैं हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं उनको, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो हम बाहर बॉडी पे यूज़ करते हैं, सुपरफेशियल बॉडी पे यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल मतलब बाहर के लिए। जैसे कि आप क्रीम यूज़ करते हो, आप लोशन यूज़ करते हैं, आप मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करते हैं, आप क्रीम यूज़ करते हैं, आप जेल यूज़ करते हैं, बॉडी जेल यूज़ करते हैं, तो उनको कहते हैं हम एक्सटर्नल। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे फर्दर आगे स्टडी करेंगे इससे आगे, तब तक के आप इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और आप इसे अच्छे से करें, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम दोबारा लेकर के आएंगे आपके लिए, इससे आगे फर्दर बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, टेक केयर, थैंक्स।